नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, कोई भी वीडियो नहीं गया क्योंकि कुछ तबीयत में खराबी होने की वजह से किसी भी प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब एक ऐसा सुनहरा समय आ गया है जब झारखंड से लेकर के बिहार तक में वैकेंसीज की बाढ़ लग गई है, वैकेंसीज का अंबार लग गया है। चाहे आप झारखंड पुलिस की बात करें तो उसमें 5 सिपाही का आने वाले आगामी समय में आशा है कि 1-2 महीना में झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी। बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई 21,391 वैकेंसी, उसको लेकर के आज हम लोग वीडियो में हैं और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे और आपसे ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए और कैसे आप इस एग्जाम में सफल हो पाते हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं और ऑनलाइन हम निःशुल्क वीडियो आपको देते हैं। ठीक है, तो वो निःशुल्क वीडियो भी आपके कल से जाने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने भाई को और इस चैनल को समर्थन करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं दोस्तों, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। आइए, आज झारखंड पुलिस के बारे में तो नहीं किंतु बिहार पुलिस में जो 21,391 एक बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी आई जिसकी फॉर्म फिलअप जो होनी चालू हो जाएगी वो 20 जून से फिलअप होनी चालू हो जाएगी। दोस्तों, आपको सरकारी रिजल्ट में दिखेगा भी इसका फॉर्म फिलअप होने का डेट वगैरह सब कुछ दिखेगा, इसका वेबसाइट खुल गया है, सब कुछ हो गया है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये झारखंड के छात्रों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हर जगह के छात्रों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ध्यान में रखिएगा। एक तरह से है ना, ये बहुत बड़ा वैकेंसी है और इस बड़े वैकेंसी में इतना तो पक्का है कि आप में से जो कोई भी देख रहे हैं उनका एक सीट पक्का मैं करवाऊं। और बिहार लगातार मैं पढ़ा ही रहा था और इसी को कंटिन्यू करूंगा और फिर से बिहार को लगातार पढ़ाऊंगा और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड को फिर से पढ़ाऊंगा, है ना। आइए थोड़ा सा वैकेंसीज के डिटेल्स में जान लेते हैं ताकि आप किस प्रकार से इस एग्जाम में सफल हो पाएंगे और कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं या तो फिर कौन कौन से नोट्स वगैरह पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार पुलिस की वैकेंसीज की। तो इसमें जो है 2 चरण में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। एक होगा पहले लिखित परीक्षा, ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। कितने घंटे का पेपर रहेगा? ये 2 घंटे का पेपर। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 100 और निगेटिव मार्क इसमें है नहीं दोस्तों, है ना। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और निगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसमें, सबसे खुशी का बात है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर के इस एग्जाम की तैयारी करें और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें, है ना। उसके बाद लिखित परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको मेडिकल और फिजिकल ये दोनों देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा मेडिकल को लेकर के और थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। अगर आप प्लस 2 हैं किसी भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो, है ना, किसी भी प्रकार के बोर्ड से अगर आप प्लस 2 हैं यानी इंटर दिए हुए हैं तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। उम्र सीमा ये जनरल को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो अगर इतना पूरा कर लेते हैं तो लगभग सारे कैटेगरी में आप एलिजिबल हो जाइएगा, है ना। तो उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और अधिकतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी का बात करें तो 2 वर्ष की छूट मिलेगी उनको, तो उनका अधिकतम उम्र सीमा कितना चला जाएगा? 27 वर्ष चला जाएगा, ध्यान में रखना है। बात करें थोड़ा सा मेडिकल की तो सीना, है ना, लड़कियों का मापा नहीं जाता है, लड़कों का मापा जाता है। तो लड़कों में सीना जो है नॉर्मल विगत फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर आपको सीना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर यानी अधिकतम 5 सेंटीमीटर तक फुला करके आपको सीना नापा जाएगा। यह आपके मेडिकल दक्षता की है। हाइट का बात करें तो जनरल में हाइट आपको खोजता है दोस्तों 165 और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ओबीसी का हाइट कितना खोजेगा, तो ओबीसी का मेरे दोस्तों ओबीसी का 160 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट खोजेगा। और सारे प्रकार के फीमेल कैटेगरीज के लिए यानी सारे प्रकार की महिलाएं चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST जो हो, कुछ भी हो, है ना, उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, इसमें और कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ, महिलाओं का वजन चूंकि थोड़ा कम होता है तो महिलाओं के वजन निर्धारित कर दिए गए हैं कि कम से कम उनका वजन कितना होना चाहिए, 48 किलो तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम वजन होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, आपको परीक्षा से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सारा प्रकार का जानकारी हम लोग यहाँ दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो फिजिकल होगा वो किस किस तरह से होगा, और बड़ा बिहार में गजब किस्म का सिस्टम है कि किस प्रकार से फिजिकल आपका लेता है इतना सुंदर तरीके से कि फिजिकल में भी नंबर आपको मिलते हैं। सोचिए,
है ना, आमतौर पर अदर स्टेट के एग्जाम्स में फिजिकल में नंबर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको पास करना रहता है, लेकिन इसके फिजिकल के नंबर के आधार पर ही आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे सबसे पहले फिजिकल में पहला जो होगा आपका दौड़, दौड़ कितना है, तो पुरुषों का दौड़ है एक मील, एक मील कहे तो 1600 मीटर, और 1600 मीटर पुरुषों का दौड़ है। और देखिए अगर आप 5 मिनट से कम में 1600 मीटर को दौड़ लेते हैं तो आपको कुल 50 के 50 मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स है 50 इसमें दौड़ में, अगर आप 5 मिनट से कम में अगर दौड़ लेते हैं तो। इसके अलावा जैसे 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 समय आप ज्यादा लेते जाइएगा वैसे वैसे आपके मार्क्स क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा सा फिजिकल में भी ध्यान दें, लेकिन पहले लिखित परीक्षा है तो आपको लिखित परीक्षा पास करना होगा, तो लिखित परीक्षा पर पहले विशेष ध्यान दें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए दौड़ जो है 50 मार्क्स का टोटल है, यहाँ पर महिलाओं के लिए दौड़ है 1 किलोमीटर का, यानी 1000 मीटर का, और इनको 4 मिनट से कम अगर ये 1 किलोमीटर दौड़ लेती है महिलाएं, ठीक है, तो इनको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 मार्क्स टोटल मिलेंगे इनको, ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानते चलिए, ये सब जानकारी होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद गोला फेंक होता है दोस्तों, गोला फेंक, गोला फेंक में पुरुषों के लिए अलग क्राइटेरिया निर्धारित है, महिलाओं के लिए अलग है। गोला फेंक में क्या होगा कि अगर पुरुष जो है 20 फीट से ज्यादा लंबाई तक गोला को फेंक देते हैं तो उनको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा 25 मार्क्स, पूरा 25 मार्क्स का होगा गोला फेंक का। और अगर आप कम फेंकते हैं 17 मीटर फेंकते हैं 18 मीटर फेंकते हैं तो आपके मार्क्स क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ये अधिकतम सीमान बता रहे हैं, अगर महिलाएं 16 फीट से ज्यादा गोला फेंक देती हैं, ठीक है, तो उनको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 25 मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। बात करें ऊंची कूद का, तो ऊंची कूद भी 25 नंबर का होगा आपका, अगर महिलाएं 4 फीट से ज्यादा कूद जाती हैं या 4 फीट कूद जाती हैं ऊंचा कूद, हाई जंप, ठीक है, तो उनको पूरा का पूरा 25 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर महिलाएं पुरुष अगर 5 फीट कूद जाते हैं यानी ऊंचा कूद जाते हैं हाई जंप, तो उनको पूरा का पूरा 25 मार्क्स मिल जाएगा, यानी आपका फिजिकल जो होगा तीनों मिलाकर के 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का दौड़, गोला फेंक जो होगा वो 25 का, और ऊंची कूद जो होगी वो 25 का। अब ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों कि आप कितने कम समय में दौड़ते हैं उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिल जाएगा, 5 मिनट से कम में दौड़िएगा पुरुष है तो आपको 50 में 50 मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है, ज्यादा समय लीजिएगा नंबर आपके कट जाएंगे। गोला फेंक का बात करें, अगर 20 फीट फेंक दीजिएगा, पुरुषों का बात कर रहे हैं, तो आपको 25 में 25 मिलेंगे, कम फेंकिएगा तो आपको कम नंबर मिलेंगे। ऊंची कूद का बात करें, अगर आप 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 में 25 मिलेगा, कम कूदते हैं तो आपको कम नंबर मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। ये तो हुई आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि किस प्रकार से आप पास कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम सिलेबस की चर्चा कर ले, तो देखिए दोस्तों सिलेबस में इसके लिखित परीक्षा के सिलेबस में, ठीक है, आपको दिखाता क्या है कि आपके मैथ रहेंगे, हिंदी रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, और जीएस पेपर रहेगा और जीके पेपर रहेगा, ठीक है। लेकिन आप विश्वास करें पीछे के प्रश्न पत्रों को देखते हुए और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, तरह तरह के क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद, इस बात को आप मान लीजिए कि आपके 90 कम से कम 90 से 85 आपके जीएस पेपर ही होने वाले हैं, जीएस से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, भूगोल, साइंस इत्यादि रहेंगे आपके, ठीक है। और जो 10-15 क्वेश्चंस में है, एक दो गो मैथ घुसा देता है, दो चार गो आपको हिंदी घुसा देगा, दो चार गो इंग्लिश घुसा देगा, और नॉर्मल हिंदी इंग्लिश रहते हैं जो प्रीपोजिशन वगैरह से पूछे जाते हैं, ऑन इन अप टू इन टू, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है बिहार को पढ़ने में, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बिहार के रहेंगे, बिहार जीके के। और इसके अलावा आपको जीके जीएस पर ध्यान देना है जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन हिस्ट्री है ना, और बिहार का चूंकि एग्जाम है तो प्राचीन हिस्ट्री बड़ा महत्वपूर्ण रह जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए, भूगोल हो गया, भूगोल में भी भारत का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, क्वालिटी हो गया, साइंस का स्ट्रीम का बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया दोस्तों, ये सारा चीज। अब आप बोलेंगे कि भैया हम लोग तैयारी कैसे करें, ठीक है, तो इसके लिए तैयारी करने का एक तरीका है क्या, एक तो मैं बिहार आपको खुद से पढ़ाऊंगा और पढ़ा भी रखा है, चैनल में आप जाकर के विजिट करें, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। दूसरा बाकी बात रहा जीके और जीएस का, तो जीके और जीएस का आप कमेंट करके बताएं कि क्या जीके और जीएस की भी क्लासेस चलानी चाहिए कि बिहार की क्लासेस चलानी चाहिए, क्योंकि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं,
झारखंड के चतरा के हंटरगंज में और बिहार के डोभी में गया जिला में हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहिएगा तो निःशुल्क हम लोग कक्षाएं अरेंज करवाएंगे रोज का, जहां से बिहार पुलिस के प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। इसी के साथ दोस्तों कल के वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अब लगातार 5-10 मिनट का वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार से संबंधित हो या झारखंड से, क्योंकि झारखंड की जनजातियों के बारे में ऐसे गूढ़ तथ्य है ना, ऐसे झुके हुए तथ्य जहाँ से प्रश्न आते हैं और लोग पढ़ नहीं पाते हैं उसको, उन सभी तथ्यों को हम लाएंगे और आपके एक एक क्वेश्चन को बचाने का प्रयास करेंगे, है ना। इसी के साथ विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, तो हम बहुत ज्यादा याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।